भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन कराया। इस कार्यक्रम में सभी भाजपा पदाधिकारी व जन प्रतिनिधि पहुंचकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के साथ आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मुरादाबाद में 3 दिवसीय कार्यक्रम में शनिवार को दूसरे दिन मुख्य अतिथि एवं मुख्य प्रवक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख दिल्ली रोड स्थित राही होटल में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुरादाबाद सदर ब्लॉक प्रमुख मनीष ठाकुर एवं संचालन भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष दिनेश सिसोदिया ने किया, जहाँ पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने मंच पर पहुंचने के साथ सभी से अपील की कि सभी लोग पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी जन जन तक पहुंचाएं। इस समय उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, साथ ही जनता के हित में सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करें और समाज में पार्टी के संदेशों को और आगे तक लेकर जाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस दौरान मंच से अपने संबोधन में सभी से पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अपील भी की गई। संकल्पना में विश्वास रखी है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, एक उनका कहने और बात है कि जब तक गरीब कुचले मजदूर असहाय, जब तक उनको हम ऊपर नहीं उठाएंगे, उनको रोजी रोटी का साधन नहीं मुहैया करा पाएंगे, उनको आवास रहने के लिए छत नहीं दे पाएंगे, ऐसे तब तक समाज की कल्पना नहीं हो सकती कि जो कल्पना होनी चाहिए। ये एक सोच थी। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब देश की सत्ता संभाली तो उनका भी यही नारा था, गरीब मजदूर शोषित कुचले इन लोगों को समानता दिलाने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा था, उस संकल्प को उन्होंने पूरा करने का काम किया। पंडित दीनदयाल जी के सपने साकार करने का काम किया है। ऐसे और सारी योजनाओं को लाकर जो उनका एक सपना था, जो देश निर्माण में एक कल्पना थी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए लोगों के लिए पूरा करने का काम किया है। आपका शुरुआत आपने अगस्त 2021 में, इसके तहत 45.4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खातों में 1,44,231 करोड़ रुपये भेजे। जनधन खातों की संख्या 2015 में 14.742 करोड़ के 3 गुना बढ़ाकर 18 अगस्त 2021 तक 47.4 करोड़ पर की गई है। 55% जनधन खाता धारक महिलाओं को 67% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में दिए गए। ग्रीन किसानों की आमदनी दुगना करने का लक्ष्य, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब 2017 में आए थे तो उनका यह नारा था कि किसानों की आय को कैसे दुगना किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे उसे और आगे किसानों को सहूलत दी जाए।